2013 एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी जो कि मेंबर हैं लोकसभा की और वो अभी बीजेपी पार्टी में हैं, वो कहती हैं कि गैस सिलेंडर के प्राइस जो कि उस टाइम पर 410 रुपए थे वो बहुत ज्यादा हैं और हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। लेकिन मोदी राज में 10 सालों में गैस सिलेंडर का प्राइस 1500 रुपए तक पहुंचा है, वो तो अभी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले सिलेंडर के प्राइस डाउन करे गए हैं अराउंड 820 के। लेकिन 2014 से पहले जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी महंगाई के ऊपर, अब उन्हीं के राज में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। 28 जून 2012 पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं प्रशासन में बैठा हूं और मुझे पता है कि रुपए की कीमत इतनी तेजी से नहीं गिरती। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। 2012 के टाइम एक डॉलर के बदले रुपए की कीमत 56 रुपए थी, लेकिन सरकार बदलते ही 10 सालों में रुपए की कीमत 56 रुपए से 83 रुपए पहुंच गई। और उस टाइम पर जो वादे जो नारे बीजेपी पार्टी कर रही थी, उनकी सरकार आते ही वो वादे वो बातें झूठे पड़ने लग जाते हैं। और 2013-14 में जो गारंटियां पीएम मोदी देते थे वो 2024 में दूर दूर तक पूरी होते नहीं दिख रही। तो क्या रहा इन 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड, क्या नरेंद्र मोदी के राज में देश ने तरक्की की, यही जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं मोदी सरकार के वादों की बात करूंगा और रही बात वादों की तो वादों के साथ साथ नारों की बात करूंगा। सबसे पहला और सबसे मशहूर नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। यह है कौशल्या देवी और ये 1.5 साल से सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें डेली दिन में 3 ग्लास दूध पीना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और ऐसा सिर्फ कौशल्या के साथ नहीं है, पता नहीं कितने ही लोग होंगे देश में कौशल्या जैसे। 2014 में एलपीजी गैस सिलेंडर 410 रुपए था, अब 903 रुपए हो चुका है, 120% ग्रोथ। पेट्रोल 2014 में 71 रुपए लीटर था, 2024 में 97 लीटर। डीजल 2014 में 55 रुपए लीटर था, 2024 में 90 प्लस। मस्टर्ड ऑयल 2014 में 90 रुपए किलो था, 2024 में 183 रुपए किलो, 60% बढ़ोतरी। 2014 में आटा 22 रुपए किलो था, 2024 में 35 रुपए किलो, 60% ग्रोथ रेट। दूध 2014 में 35 रुपए लीटर था, 2024 में 60 रुपए लीटर, ऑलमोस्ट डबल। और ये तो कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, असल महंगाई जो देश में है वो देश का हर एक नागरिक जानता है। ये रिपोर्ट्स तो बस उन लोगों के लिए प्रूफ हैं जिनको महंगाई ही नहीं दिख रही। कुछ लोगों ने बनियान पहनना छोड़ दिया तो कोई 5000 का सिलेंडर लेने को तैयार है। इन सब लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हें महंगाई दिखेगी कब, जब हाथ में कटोरा लेकर घूमोगे। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन, मतलब 5000 का सिलेंडर लेने को तैयार है। हर महीने फ्री बटने वाली राशन की लाइनों में ये लोग दिख जाएंगे, लेकिन इनका वोट नहीं बदलेगा क्योंकि मोदी जी तो वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। आपको शायद ये इंटरव्यू देखकर हंसी आए, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंपेन है ब्रेन वॉशिंग का जो कई सालों से चल रहा है। इस पर मैंने डिटेल में बात करी है अपनी डिक्टेटरशिप वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट टॉपिक पर वापस आए तो मोदी सरकार का दूसरा और सबसे बड़ा नारा था, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार अब की बार मोदी सरकार। इस फोटो को गौर से देखिए, ये वो सब लोग हैं जो यूपी में 60,000 खाली कांस्टेबल्स की पोस्ट के एग्जाम देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया के टॉप कॉलेजेस की प्लेसमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई। एक तो देश में नौकरियां नहीं है, ऊपर से खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से, खराब सिस्टम की वजह से देश का युवा नौकरियों के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और बेरोजगारी को खत्म करने के बजाय, सिस्टम को चेंज करने के बजाय पीएम मोदी गोदी एंकर्स के इंटरव्यू में कहते हैं कि ऑफिस के बाहर बैठे भैया जो पकौड़े बेच रहे हैं वो भी एक रोजगार है, यानी देश में बेरोजगारी नहीं है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, पकौड़े बेचना और चाय बेचना रोजगार है, क्योंकि जब देश के युवा के पास नौकरी ही नहीं होगी तो वो मजबूरन यही करेगा। इस रिपोर्ट को देखिए, एस्टिमेटेड 12 करोड़ इंडियंस ने अपनी जॉब्स खोई हैं कोरोना टाइम पर। जून 2021 जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो 1 करोड़ प्लस इंडियंस ने अपनी नौकरियां खोई। और ये तो कोविड के टाइम की बात है, अभी पिछले ही साल 2023 की रिपोर्ट सुनो। मई 2023 द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जून 2023 11,000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। अगस्त 2023 टेक कंपनीज ने 2,26,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। मतलब हो क्या रहा है देश में, नई नौकरियां मिलना तो छोड़ो, जिनके पास पुरानी नौकरियां हैं उन्हें भी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। और इनका तीसरा और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल नारा, सबका साथ सबका विकास अब की बार मोदी सरकार। देखो, सबका विकास कैसे होता है, जब लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कंट्रोल में हो,
शहरों और गांवों में बिजली पानी की सुविधा हो, रोड्स और हाईवेज हो। और बात करें रोड्स और हाईवेज की, तो भला हूं नितिन गडकरी जी का, जो कि रोड्स और हाईवे मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इन 10 सालों में इंडिया के हाईवेज पर काम करा है, क्योंकि वो बीजेपी के एक लौते ऐसे नेता हैं जो कि भाषण और जुमलेबाजी के बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं। और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर उनकी जगह बीजेपी का कोई और नेता होता इस जगह, तो मुझे रोड्स और हाईवेज को भी झूठे वादों की लिस्ट में ऐड करना पड़ता। अब बात करें बिजली की, तो 2014 से पहले 18,000 विलेजेस में बिजली नहीं थी, लेकिन इन 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ 18,000 में से 10,000 गांवों में ही बिजली पहुंची है, और वो भी हर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं है, सिर्फ कुछ बड़े शहरों में ही है। और बीजेपी सरकार के सबसे बड़े फेलियर स्मार्ट सिटी मिशन को ही देख लो। 2014 से पहले खूब भाषणों में कहा गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और देश की इकोनॉमी उन सिटीज पर रिलायबल हो, और इसकी डेडलाइन दी गई थी कि जून 2021 तक ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 16 मई 2024 जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटीज अभी तक बनी नहीं है, और बल्कि 2 एक्सटेंशन एक्स्ट्रा हो गए, और कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पर इन सिटीज का 10% काम भी नहीं हुआ। और बुलेट ट्रेन्स का क्या, ये तो 2023 तक इंप्लीमेंट होने वाली थी। बुलेट ट्रेन्स का काम तो इतना स्लो है कि जनवरी 2024 में सिर्फ इनका लैंड यूटिलाइजेशन हुआ है, और अभी इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा दिया गया है 2028 तक। चौथा और सबसे झूठा वादा हुआ था 2017 में कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर दी जाएगी। 2022 में हिंदुस्तान के किसान की इनकम डबल करने का इरादा, एक संकल्प, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2015-16 में किसानों की इनकम 8,000 रुपए थी, और 2019 तक उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही हुई है, डबल तो बिल्कुल नहीं हुई। और ऊपर से सरकार ने पॉलिटिकल फायदे के लिए फार्म बिल भी वापस ले लिया। जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन अगर किसान अपनी आवाज उठाए तो उन पर लठबाजी करी जाती है, टियर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। कुल मिलाकर जितने भी वादे, जितने भी नारे, जितनी भी गारंटियां हमें दी गई थी, वो दूर दूर तक पूरी होते नहीं दिख रही। और अगर मैंने काले और इलेक्ट्रल बॉन्ड के चिट्ठे खोल दिए, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड और डिक्टेटरशिप पर डिटेल वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण दिल्ली में है 25 तारीख को, तो मैं सभी दिल्ली वासियों से और देशवासियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वोट जरूर देना। और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, एक ऐसे नेता के लिए वोट देना जो झूठे वादे ना करे, जो पढ़ा लिखा हो और जो लोकतंत्र की हिफाजत करे। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमारी कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें अपने ऊपर गर्व जरूर होगा। जय हिंद, थैंक यू।